हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लावा बुक्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में पर्सन्स इन न्यूज़ 2019, 2019 में जो व्यक्ति न्यूज़ में रहे हैं सबसे ज़्यादा और जिनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स आपसे किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये होंगे जून से लेकर अक्टूबर तक, और जनवरी से लेकर जून तक जो है इट्स मोस्टली अगर कहा जाए तो इसमें जून की ज़्यादा करंट अफेयर इंक्लूडेड नहीं है, जुलाई की है। तो जनवरी से लेकर जून तक की जो देखेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन पार्ट टू। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो करंट अफेयर है इज अबाउट राफेल ग्रॉसी इलेक्टेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ IAEA। व्हाट इज IAEA? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक न्यूक्लियर वॉचडॉग की तरह काम करता है यूनाइटेड नेशंस के। इसके पहले जो चीफ थे या डायरेक्टर जनरल की बात करें हम IAEA के, वो थे युकिया अमानो। तो उनकी डेथ हो चुकी है। अब 4 साल के लिए राफेल ग्रोसी रहेंगे नए डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। देन नेक्स्ट है जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े अपॉइंटेड एज 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 63 साल की व्यक्ति है ये और अब CJI बन चुके हैं, और इसके पहले रंजन गोगोई थे और अब इनको चीफ जस्टिस बना दिया गया है। आपको इनका नाम याद रखना है, ठीक है। देन है PM मोदी रिलीजेस बुक टाइटल्ड ब्रिजिटल नेशन। नाउ संजीव नंदन सहाय जो है उनको अपॉइंट किया गया है नया पावर सेक्रेटरी। और अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करते हैं करती है एक कमेटी जिसका नाम है ACC। ACC मतलब अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट, ये नाम याद रखना है आपको। जितने भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है वो ACC अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ही करती है। देन संजीव नंदन सहाय जो है वो नए पावर सेक्रेटरी बनेंगे। और इसके अलावा इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? सुभाष चंद्र गर्ग को इन्होंने रिप्लेस किया। 86 आईएएस बैच के ये जो एक आईएएस ऑफिसर है, ठीक है। देन नेक्स्ट है पंकज कुमार अपॉइंटेड एज CEO ऑफ UIDAI। UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए CEO बन गए हैं पंकज कुमार। तो पंकज कुमार को भी किसने अपॉइंट किया है? ACC अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट। देन नेक्स्ट है IPS अनूप कुमार सिंह अपॉइंटेड एज न्यू NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड चीफ। नाउ NSG क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और ये कब अस्तित्व में आया? जब 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, असैसिनेशन हुआ इंदिरा गांधी जी का, और अक्षरधाम टेम्पल जो है उस पे अटैक हुआ, उसके बाद NSG जो है वो अस्तित्व में आया है। और ये क्या करता है? ये काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटीज करता है, जैसे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है या हाईजैक इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो टोटल अगर हम बात करें तो जो इंटरनल डिस्टरबेंस है उससे ये प्रोटेक्ट करता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और ये भी आता है अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देन सज्जन सिंह जिंदल अपॉइंटेड वाइस चीफ चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील। और सज्जन जिंदल जो है वो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है JSW स्टील्स के। देन कैस सैद जो है वो बन गए हैं नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ट्यूनीशिया। देन सौरव गांगुली जो है उनको बनाया जा रहा है BCCI का नया प्रेसिडेंट। देन PM जो है उन्होंने एक कमेमोरेटिव कॉइन रिलीज स्टैम्प रिलीज किया, सॉरी कॉइन नहीं रिलीज किया, स्टैम्प रिलीज किया है, जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के मार्शल थे लेट अर्जन सिंह उनके लिए। इन्होंने ही इंडिया पाकिस्तान का वॉर जो हुआ था 1965 का, उसमें लीड किया था इंडियन एयरफोर्स को। और ये पहले और आखिरी अब तक के कोई भी IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर नहीं रहा है इनके अलावा जिसको 5 स्टार रैंक मिली है। देन है सुरजीत एस भल्ला अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडिया एट IMF। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि इकोनॉमिस्ट सुरजीत एस भल्ला जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे फॉर इंडिया ऑन बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। देन है जस्टिस राजेंद्र मेनन रिकमेंडेड एज नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। देन
एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया जो है उन्होंने चार्ज ले लिया है इंडियन एयरफोर्स के चीफ के तौर पर। देन केशव रेड्डी को अवार्ड दिया गया है, कौन सा अवार्ड? सरस्वती सम्मान। तो के शिवा रेड्डी जो है, के शिवा रेड्डी और इनको दिया गया है। और ये बेसिकली एक तेलुगु पोएट है और इनकी पोएम का एक कलेक्शन है जिसका नाम है पक्काकी और टिगलाइट, जो 2018 में रिलीज हुई है। तो इसको दो सॉरी रिलीज नहीं, 2018 के लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया है। सरस्वती सम्मान जो है वो फाउंड किया था के बिरला फाउंडेशन ने, और साल में एक बार दिया जाता है, के शिवा रेड्डी। ठीक है। देन नेक्स्ट है सुरेश चित्तूरी अपॉइंटेड चीफ ऑफ इंटरनेशनल एग कमीशन। देन एयर मार्शल एच एस अरोरा अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। देन यूएईज हज्जा अल मंसूरी बिकम्स फर्स्ट एस्ट्रोनॉट इन स्पेस। तो ये हज्जा अल मंसूरी जो है पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं यूनाइटेड अरब अमीरात के जो फर्स्ट अरब एस्ट्रोनॉट है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। देन है बांग्लादेश लिफ्ट्स बैन ऑन हिल्सा एक्सपोर्ट टू इंडिया। अब बांग्लादेश जो है वो हिल्सा एक्सपोर्ट कर रहा था इंडिया को, उस पर बैन लगा दिया था बांग्लादेश ने, बट वो अब हटा लिया गया है। देन हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी जो है वो रिचेस्ट इंडियन है, 2019 की जो हुरुन इंडिया रिच लिस्ट आई है ऑब्वियसली। देन क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ IMF। क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा IMF की नई चीफ बन गई है, लेकिन इसके पहले ये वर्ल्ड बैंक की भी CEO रह चुकी है। और अगर बात करें हम IMF की, तो IMF की चीफ थे इसके पहले क्रिस्टीन लगाडे। देन अमिताभ बच्चन जो है उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है 2018 का। देन वाइस प्रेसिडेंट ने 150वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, जो वैद्य रत्नम PS वारियर है, वैरियर उनकी। और लाइनिंग डोमिंग फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू बिकम लेफ्टिनेंट कर्नल इन इंडियन आर्मी। ये है अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला लाइनिंग डोमिंग। देन मधुकर कामत सेलेक्टेड चेयरमैन ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस। राजनाथ सिंह जो है वो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर बने हैं जिन्होंने LCA तेजस जो है उसको फ्लाई किया है। तो राजनाथ सिंह ने पहला जो है LCA, पहले फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर है जिन्होंने LCA तेजस उड़ाया है। LCA मतलब होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और ये काइंड ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट होता है, और ये इंडिजीनियसली बिल्ट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। देन जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी अपॉइंटेड एज फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ आंध्र प्रदेश। देन यूएन अपॉइंट्स इंडियन आर्मी वेटरन अभिजीत गुहा एज हेड ऑफ हौदेदा मिशन। तो हौदेदा मिशन जो है वो यमन में होने वाला है, और उसका हेड अपॉइंट किया है, जो अगर हम बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस जो है वो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के, और उन्होंने ही लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत गुहा को हेड बनाया है, जो यूएन का मिशन होने वाला है हौदेदा यमन में उसके लिए। देन डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा जो है उनको अपॉइंट किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी। और इस ये भी अपॉइंटमेंट की किन्होंने की, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट ने। देन आर के सिन्हा जो है उनको प्रिंसिपल एडवाइजर बनाया गया है PM मोदी का। देन लोकतंत्र के स्वर एक बुक रिलीज की गई है जिसमें जो प्रेसिडेंट है उनके स्पीचेस का कलेक्शन दिया गया है, और लोकतंत्र के स्वर, और इसका हिंदी में नाम है, ये बुक हिंदी में रिलीज की गई है, इसका नाम है लोकतंत्र के स्वर, और जो इंग्लिश में रिलीज की गई है उसका नाम है द रिपब्लिकन एथिक। देन प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस कन्फर्ड लैम्प ऑफ पीस ऑफ सेंट फ्रांसिस अवार्ड बाय वेटिकन। वेटिकन जो वेटिकन सिटी है उन्होंने दिया है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को लैम्प ऑफ पीस ऑफ सेंट फ्रांसिस अवार्ड। और ये जो है ये बांग्लादेश को बिलोंग करते हैं, और इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। देन सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा जो है
वो AWEB के चेयरमैन बनाए गए। AWEB मतलब एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के चेयरमैन बनाए गए हैं 2019 से लेकर 2021 तक के टर्म के लिए, लगभग 2 साल के लिए। इंडियाज फर्स्ट वुमेन DGP कंचन चौधरी भट्टाचार्य जो है, इनकी डेथ हो चुकी है। ये पहली महिला DGP थी और इनकी डेथ, एक लंबे समय से ये बीमारी से जूझ रही थी और मुंबई में इनकी डेथ हुई है। देन IAF शैलजा धोनी बिकम्स इंडियाज फर्स्ट फीमेल फ्लाइट कमांडर। तो फर्स्ट फीमेल फ्लाइट कमांडर कौन बनी है? शैलजा धोनी। देन प्रभाकर सिंह DGCPWD चूजन फॉर एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड। अजय कुमार को अपॉइंट किया गया है नए डिफेंस सेक्रेटरी। देन राजीव गौबा जो है उनको नेक्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी 2 साल के लिए बनाया गया है। देन तमिलनाडु ने इसरो चीफ जो है के सिवन, उनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया है। हर्षद पांडुरंग ठाकुर जो है उनको डायरेक्टर बनाया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। ऐश्वर्या पिस्से जो है वो पहली इंडियन है जिन्होंने मोटर स्पोर्ट में टाइटल जीता है, फर्स्ट इंडियन फीमेल इन मोटर स्पोर्ट। चेयरमैन साहा जो है फर्स्ट चंद्रिमा साहा सॉरी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। देन लेसन्स लाइफ टॉट मी अनोइंगली, ये ऑटोबायोग्राफी है अनुपम खेर की जो अगस्त 2019 में रिलीज हुई है। बुक क्रॉनिकलिंग वाइस प्रेसिडेंट नायडूज 2 ईयर्स इन ऑफिस, ये एक बुक है जिसमें 2 साल बताए गए हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू उनके। देन है शाहरुख खान को अवार्ड दिया गया एक्सेलेंस इन सिनेमा जो मेलबोर्न फिल्म फेस्टिवल है उसमें। देन फॉर्मर यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज पास अवे, इनकी डेथ हो चुकी है। सुषमा स्वराज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक राजनेता थी और ये BJP से बिलोंग करती थी। इनकी डेथ हो गई है 67 की एज में और ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। फ्रांसिस फ्रेंकी ज़पाटा जो है उन्होंने सक्सेसफुली इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर लिया है हॉवरबोर्ड की मदद से फर्स्ट टाइम। देन गिरिजा प्रसाद गुप्ता टेक्स ओवर एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। राकेश अस्थाना जो है उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का। देन IAF तरुण चौधरी बिकम्स फर्स्ट पायलट टू डू विंग सूट स्काई डाइविंग जंप। विंग सूट आपने देखा होगा Race 3 में भी, आप अगर किसी ने देखी होगी तो उसमें आपको, वैसे बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में भी यूज किया गया है। इट्स काइंड ऑफ बॉडी सूट होता है ये जो जो एक बर्ड की विंग की तरह दिखता है, तो उसमें स्काई डाइविंग की है तरुण चौधरी ने और ये इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर है। देन है IPS ऑफिसर VK चौधरी को अपॉइंट किया गया है BSF का डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। देन BS येदियुरप्पा जो है वो नए चीफ मिनिस्टर बन गए कर्नाटका के। बद्री नारायण शर्मा जो है उनको अपॉइंट किया गया है नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी का चीफ। चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स जो है वो बुक रिलीज हो गई है। देन प्रीति पटेल ब्रिटेन फर्स्ट इंडियन ओरिजिन होम सेक्रेटरी बनाया गया है प्रीति पटेल को। बोरिस जॉनसन जो है वो बन गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर UK के। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो है उनको नेक्स्ट वाइस चीफ बनाया गया है इंडियन आर्मी का। IFSC ऑफिसर विवेक कुमार को अपॉइंट किया गया है प्राइवेट सेक्रेटरी PM मोदी का। अलान टूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है कोड ब्रेकर, वो अब नए £50 बैंक नोट में इनका जो है फोटो दिखेगी अब आपको। SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर जो है शीला कांत, उनको बनाया गया है वर्ल्ड बैंक का MD एंड CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ई नहीं है ये, F है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। देन अरुण कुमार जो है उनको नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का। IMF चीफ जो है क्रिस्टीन लगाड़े अब यूरोपियन सेंट्रल बैंक को हेड करेंगी। देन जर्मनीज उर्सुला वॉन डर लेयन अपॉइंटेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन कमीशन। मनोज कुमार नाम बिहार इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क। जया अरुणाचलम जो है इंडियन सोशल वर्कर और फाउंडर ऑफ वर्किंग वुमेन्स फोरम, इनकी डेथ हो गई है 87 की एज में चेन्नई में। अपर्णा कुमार जो है फर्स्ट IPS ऑफिसर बनी है जिन्होंने 7 समिट चैलेंज जो है उसको कंप्लीट किया। 7 महाद्वीप में जो 7 सबसे ऊंची चोटियां है उसको इन्होंने
फतह किया है या उसकी समिट्स की है? अर्पणा कुमार, अब सॉरी अपर्णा कुमार। देन अ प्राइम मिनिस्टर रिमेम्बर, ये एक बुक आई है जो फॉर्मर नेवी चीफ एडमिरल सुशील कुमार इन्होंने रिलीज की थी। जस्टिस ए के सीकरी जो है उनको सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट का जज बनाया गया है। तो यहाँ पर पर्सन्स इन न्यूज जो काफ़ी सारे हैं, आपके अपॉइंटमेंट्स और अवार्ड्स और सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई है बहुत सारी। अगर आपने अपॉइंटमेंट्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, आपका अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सेकेंड पार्ट में हम लोग बाकी के जो पर्सन्स इन न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।